आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल रेखा साउच किचन पर। आज हम बनाने वाले हैं खट्टी मीठी चटनी, जिसे आप समोसे या चाट भजिया किसी के साथ भी सर्व कर सकते हो। ये आपको जरूर पसंद आएगी, खाने में तो बहुत ही टेस्टी है। चलिए तो इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने एक बड़ी कटोरी आमचूर ले ली है, ये देखिए इस तरह की सूखी हुई मार्केट में आसानी से मिल जाती है। मैं इसको एक साइड रख देती हूँ, मैंने पहले से ही भिगो के रखी हुई थी, इसको मैंने 2 घंटे पहले भिगो दिया था। अब ये अच्छे से फूल गई है। अब मैं इसको पानी से निकाल कर मिक्सी जार में डाल देती हूँ और इसका हम पेस्ट बनाकर तैयार कर लेते हैं। ये देखिए मैंने सारी ट्रांसफ़र कर ली है। अब मैं इसमें थोड़ा पानी डालूंगी, आप पानी ज़रूरत के हिसाब से डालकर इसका पेस्ट बनाकर तैयार कर लीजिए। यहाँ पे मैंने आमचूर को देखिए ज़रूरत के हिसाब से पानी डाल डालकर पेस्ट बनाकर तैयार कर लिया है और इसको मैंने बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब इसको मैं 2 हिस्सों में बांटूंगी, क्योंकि हम इसमें 2 प्रकार की चटनी बनाकर तैयार करेंगे, एक हम मीठी बनाएंगे और एक खट्टी बनाएंगे, इसलिए हम इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। ये देखिए हमने 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। अब मैंने एक जार फिर से यहाँ पे ले लिया है, इसमें मैं डालूंगी 2 चम्मच जीरे कच्चे, इससे चटनी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और 6 मैंने हरी मिर्च ली है, इसको भी डाल देते हैं। 1 चम्मच क्रश किया हुआ अदरक, आप चाहें तो काट के भी डाल सकते हो। और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका पेस्ट बनाकर तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने जीरे और हरी मिर्च अदरक का पेस्ट तैयार कर लिया है। अब मैं यहाँ पे वही पिसा हुआ आमचूर ले रही हूँ जो हमने पीस कर रखा हुआ था। अब इसको हम इसमें मिक्स कर देते हैं, इस तरह से मिक्स कर देते हैं। और इसमें डालेंगे 1 चम्मच काला नमक। अब इसमें स्वाद अनुसार सफ़ेद नमक भी डाल देते हैं, इसमें मैंने 1/2 चम्मच डाल दिया है। और 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, अगर आप तीखा कम खाते हो तो इसमें लाल मिर्च ना डालें। अब इसको मिक्स कर देते हैं। इस तरह से आप चटनी बनाइए, आपकी चटनी बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगी। अब इसमें हम थोड़ा पानी और डाल देते हैं। उसी जार में मैं 1/2 गिलास पानी डालकर इस तरह से इसमें मैं डाल देती हूँ। आपको जिस हिसाब की चटनी चाहिए गाढ़ी पतली, उसी हिसाब से पानी डालकर आप चटनी को तैयार कर सकते हो। हमने सभी सामान को अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब आप इसे थोड़ा टेस्ट करके नमक का स्वाद लगाकर इसमें नमक ऐड कर सकते हो। अब ये तैयार हो गई है, इसे हम एक साइड पे रखते हैं। यहाँ पे मैंने पैन में 2 चम्मच राई का तेल ले लिया है। अब इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच सौंफ और 1 चम्मच जीरे, 1/2 चम्मच हींग, इन सभी को थोड़ा भून लेते हैं। जीरे सौंफ हमारे ब्राउन हो गए हैं। अब इसमें डालेंगे हम चटनी जो हमने पीस के आमचूर रखा हुआ था, उसी को हम डाल देते हैं। इसको थोड़ा हम मिक्स कर देते हैं। इस तरह से आप चटनी बनाइए, आपकी चटनी बहुत ही टेस्टी बनेगी। मैं अपने घर पर इसी तरह से बनाती हूँ, मेरे बच्चों को बहुत ही पसंद आती है। अब मैंने उसी बाउल में थोड़ा पानी डालकर इस तरह से हम डाल देते हैं और मिक्स कर देते हैं। थोड़ा पानी मैं और डाल देती हूँ, जितना आपको लगे पानी कम ज़्यादा उसी हिसाब से आप डाल सकते हो। फूड से रिलेटेड कोई भी रेसिपी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ हमारी नई वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। यहाँ पे मैंने देखी इतना पानी डालकर तैयार कर लिया है, आप देख सकते हो इस तरह का हम पानी डालकर तैयार कर लेंगे। अभी इसको हम पकाएंगे, इसलिए मैंने थोड़ा पानी ज़्यादा डाला है। अब इसमें मैंने 100 ग्राम गुड़ ऐड कर देते हैं, इस तरह से डाल देते हैं। अगर आपको मीठा कम पसंद हो तो थोड़ा गुड़ कम कर सकते हो। इसको भी मिक्स कर देते हैं।
अब इसमें मैं डालूंगी एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अगर आपको तीखा कम पसंद हो तो आप मिर्च की क्वांटिटी थोड़ा कम कर सकते हो, और आधी चम्मच नमक। अब इन सभी को मिक्स कर देते हैं और अच्छे से पका लेते हैं। देखिए हमारी चटनी बनकर तैयार हो गई है, इसे हम थोड़ा और पका लेते हैं, बस फिर ये कंप्लीट होकर तैयार हो जाएगी। अब मैं इसमें डालूंगी आधी चम्मच काला नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार डालें। इसको मिक्स कर देते हैं। अब थोड़ी मार्केट जैसा बनाने के लिए मैं इसमें थोड़ा फूड कलर डाल रही हूँ, रेड। अब इसको मिक्स कर देते हैं। इससे क्या होगा, चटनी हमारी रेड रेड दिखेगी तो देखने में बहुत ही टेस्टी लगेगी। मैंने कभी हाई और कभी मीडियम गैस पर इसको पका लिया है। ये देखिए आप, हमारी मार्केट जैसी मीठी चटनी बनकर तैयार हो गई है। मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए कितनी बढ़िया लग रही है। जो मैंने इसमें सौंफ और जीरे खड़े डाले हैं, इसका तो टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब हम गैस को ऑफ कर देते हैं और मीठी चटनी को सर्व कर लेते हैं। 150 ग्राम अमचूर और 100 ग्राम गुड़ से मेरी दो प्रकार की चटनी बनकर तैयार हो गई है। आप देख सकते हो ये इतनी क्वांटिटी में बनकर तैयार हो गई है। मैंने दोनों चटनियों को बाउल में सर्व कर लिया है। ये देखिए आप कितनी टेस्टी बनकर तैयार हुई है। आप देख सकते हो मैंने खड़े मसाले से बनाई है, बहुत ही टेस्टी चटनी है। अगर आपको इसमें थोड़ा कलर कम लग रहा हो तो इसमें थोड़ा फूड कलर और भी डालकर ऐड कर सकते हो, और इसमें भी मैंने खड़े मसाले डाले हैं जिससे ये भी बहुत ही टेस्टी चटनी बनकर तैयार हुई है। आपका कभी भी मटर या चाट बनाने का मन करे तो आप इन दोनों चटनी को ट्राई जरूर करें, आपको जरूर पसंद आएगी। अगर